दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रमेश कुमार शर्मा और आज करवा रहा हूं एक और सिद्ध पीठ के दर्शन। और ये सिद्ध पीठ है दुर्गा माँ के नौ रूपों में से एक रूप और बहुत ही सुंदर स्वरूप माँ दुर्गा का। और यह जो मंदिर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह मंदिर स्थित है कालका शिमला रेलवे लाइन पर कैथली घाट रेलवे स्टेशन के बिल्कुल समीप और नेशनल हाईवे पर यह मंदिर स्थित है। और यह मंदिर इस गांव कैथली के स्थानीय लोगों द्वारा निर्मित करवाया गया है और बहुत ही यह सुंदर मंदिर है। और यहाँ अनेक देवी देवताओं की स्थापना की गई है। अब यह जो सीढ़ियाँ आप सामने देख रहे हैं, इसमें स्थानीय लोगों द्वारा एक बढ़िया किस्म का मार्बल इन सीढ़ियों पर लगवाया गया है ताकि यहाँ अच्छी तरह से सफाई रह सके और किसी प्रकार की कोई झाड़ी और कांटे ना पैदा हो सके। और यह जो मंदिर है, अब हम पहुंच रहे हैं एक और अन्य मंदिर के पास और यह है काली माता का मंदिर। और यहाँ काली माता की स्थापना स्थानीय लोगों द्वारा करवाई गई है और यह भी एक संहार के रूप में माँ जो काली है वो कार्य करती हैं। और जो मंदिर है इसके आसपास का दृश्य बहुत ही सुंदर है। नीचे से ऊपर की ओर दिखने वाले मुख्य मंदिर का आकर्षण बहुत ही सुंदर बनता है। और यह जो छोटा मंदिर बना है, यहाँ स्थापित की गई है माता की एक पिंडी, जिसमें पिंडी रूप में माता को स्थापित करवाया गया है। और यह बहुत ही प्रसिद्ध शक्ति पीठ है और यहाँ जो भी श्रद्धालु मन्नत मांगते हैं उनकी मन्नतें हमेशा पूरी होती है। और मेरे साथ हैं मेरे दोस्त निर्देव गिरी जी। और सामने जो देख रहे हैं आप मंदिर के आसपास का दृश्य बहुत ही सुंदर। और यह काली माता का मंदिर है और यहाँ हर श्रद्धालु हमेशा मन्नत मांगते हैं और उनकी मन्नत हमेशा पूरी होती है। और ये है नीचे से सीढ़ियों के नीचे से मुख्य मंदिर का आकर्षण और बहुत ही सुंदर दिखाई देता है यह मंदिर। और इसके साथ ही जो पिंडी रूप में माता यहाँ स्थापित की गई है और यह एक चिन्ह है, ये काली माता का मंदिर है। और हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं का प्रदेश है और यहाँ बहुत से किस्म के देवी देवता स्थापित करवाए गए हैं। और ग्रामीण कोई भी कार्य करते हैं तो देवी देवताओं को याद करते हैं। और जब भी कोई त्यौहार होता है तो इन देवी देवताओं की पूजा की जाती है। और मंदिर के जो आसपास का दृश्य है और जो नज़दीक के गांव है, यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही समृद्ध लोग हैं और खेती बाड़ी यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा है। और वन यहाँ की जो मुख्य सुंदरता है और यहाँ बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी है। और इसके साथ ही है शिव मंदिर और शिव मंदिर में भी लोग श्रद्धालु यहाँ आते हैं और हर नवरात्रों में यहाँ रोज भंडारे लगाए जाते हैं स्थानीय लोगों द्वारा और शिव जी और दुर्गा माता की पूजा करवाई जाती है। ब्राह्मणों को बिठाकर उनसे अनुष्ठान करवाए जाते हैं और अनुष्ठान यह 9 दिन तक चलता है जब माता के नवरात्रे होते हैं। और सभी लोग मिलकर चंदा इकट्ठा करके 9 दिनों तक यहाँ भंडारे लगाते हैं। और इस मंदिर में बहुत श्रद्धालु आते हैं क्योंकि यह जो नेशनल हाईवे कालका शिमला है उस पर स्थित है और रेलवे स्टेशन भी यहाँ से बिल्कुल समीप है। इस कारण यहाँ श्रद्धालुओं का तांता
हर समय लगा रहता है और लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं और जिन लोगों की मन्नतें पूरी होती है वो इस मंदिर में जरूर आते हैं और स्थानीय लोगों द्वारा सुंदर सुंदर मूर्तियां यहां स्थापित करवाई गई है। शिव जी की भी यहां बहुत ही सुंदर मूर्ति संगमरमर की लगवाई गई है और प्रतिष्ठित की गई है और लोग यहां बहुत विश्वास करते हैं देवी देवताओं पर और हर कार्य देवी देवता की आज्ञा से ही पूरा करते हैं। नमस्कार।